नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, एक बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास सैनिक कल्याण योजनाओं का समय पर भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। ये पैसा कहाँ चला गया, कौन खा गया, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अप्लाई करने के बाद रिटायर्ड सोल्जर्स को क्यों 3-3, 4-4 साल तक चक्कर लगवाए जाते हैं? इन योजनाओं के बारे में पूछताछ से संबंधित पूर्व सैनिकों के पत्राचार का उनके पास अंबार लग गया है। आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि सरकार ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड जैसे बड़े बड़े विभाग रखे हैं, ढोल पीटे जाते हैं कि हम बहुत सी योजनाएं पूर्व सैनिकों के लिए चला रहे हैं, लेकिन इस मामले में देखा गया है कि ये नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। इन योजनाओं के अंतर्गत दिया जाने वाला पैसा ज्यादातर योजनाओं में बहुत ही कम होता है। यानी ये वो कहावत चरितार्थ करती है कि ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन जो अभी केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने राज्य सैनिक बोर्ड्स को लेटर लिखा है, उससे तो लगता है कि ये तीन पाव चून चौबारे रसोई वाली बात है। योजनाएं तो बहुत हैं, नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा क्यों? सभी फंड कहाँ चले जाते हैं? ऐसा तभी क्यों होता है जब सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिकों के वेतन, पेंशन, CSD, ECHS या और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी बात आती है? ये सरकार के सोचने की बात है। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन वेलफेयर जो स्कीम्स चलाता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के थ्रू रिटायर्ड सोल्जर्स के वेलफेयर के लिए, उनकी हम मोटा मोटी बात कर लेते हैं कि ये कौन सी स्कीम्स हैं जिनके लिए इनके पास बिल्कुल पैसा ही खत्म हो चुका है या बहुत कम है। साथियों, सबसे पहले आती है पेनूरी ग्रांट। ये नॉन पेंशनर को दिया जाता है, 4,000 रुपया पर मंथ मिलता है। दूसरी एजुकेशन ग्रांट होती है, रिटायर्ड सोल्जर्स के हर बच्चे को 1,000 रुपया पर मंथ मिलता है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। ये हवलदार के रैंक तक मिलता है और मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलती है। दूसरा है रिटायर्ड सोल्जर्स के हवलदार रैंक तक के बच्चे जो 100% डिसेबल हैं, उनको 1,000 रुपया पर मंथ मिलता है। अगली स्कीम आती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये नॉन पेंशनर को 1 टाइम 30,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट स्कीम है डॉटर मरीज के लिए, 50,000 रुपया पर डॉटर, मैक्सिमम 2 डॉटर के लिए दिया जाता है हवलदार रैंक तक के जवान के लिए। नेक्स्ट स्कीम है उन बच्चों के लिए जो NDA में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हवलदार रैंक तक के सेवानिवृत्त सैनिकों के, उनको 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अगली स्कीम है वो डैमेज हाउस के लिए है, नेचुरल कैलामिटी या किसी आपदा में एक्स सर्विसमैन का घर ढह गया हो और वो मियां बीबी दोनों जिंदा न हो, तो उनकी बेटी को 20,000 रुपया उस हाउस की रिपेयर के लिए दिया जाता है। ये बहुत नाकाफी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की स्कीम है। अगली है रिटायर्ड सोल्जर्स के अनाथ बच्चों को 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूनरल असिस्टेंस, ये 5,000 रुपया दिया जाता है अप टू द रैंक ऑफ हवलदार। नेक्स्ट है असिस्टेंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब की वीडियो को मिलता है 20,000 रुपया 1 टाइम अप टू द रैंक ऑफ हवलदार। नेक्स्ट स्कीम है स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट, ये अप टू 1,25,000 पर ईयर मिलता है, नॉन पेंशनर को मिलता है, कैंसर या कोई बहुत बड़ी बीमारियों के लिए या किसी बड़े ऑपरेशन वगैरह के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है मोबिलिटी इक्विपमेंट के लिए, डिसेबल सोल्जर को दिया जाता है। ये जो इक्विपमेंट है उसका 50% तक दिया जाता है, मैक्सिमम 57,500 रुपया मिलता है। नेक्स्ट है साथियों फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, रिटायर्ड सोल्जर्स के 1,00,000 रुपए के लोन के ऊपर, यानी मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक के लोन पे ही इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती है, वो भी 1,00,000 का एक साल में जितना इंटरेस्ट लगता है उसका 50% सब्सिडी मिलता है, वो भी मैक्सिमम 5 साल तक के लिए ही मिलता है। साथियों, इन सभी स्कीम्स के लिए पैसा गवर्नमेंट अपने खाते से नहीं देती है, इन सब के लिए पैसा आम जनता के दान पे निर्भर होता है। इन्हीं सब स्कीम्स के लिए रिटायर्ड सोल्जर्स ने जो अप्लाई किया हुआ है उनका पैसा उनको 2-2, 3-3 साल तक नहीं मिल रहा है। इसी के जवाब में केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने राज्य सैनिक बोर्ड्स को लिखा है कि हमारे पास ढेर लग गया है लोगों की क्यूरीज का, पूछताछ वाले लेटर्स का, तो उन्होंने बोला है कि हम कुछ बातें साफ कर देना चाहते हैं, आप रिटायर्ड सोल्जर्स, विडोज और जो डिपेंडेंट्स है उनको बता दें। इन स्कीम्स के लिए जो धन आता है वो आर्मड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से आता है, यानी जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस होता है उसपे जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं झंडे वगैरह लगाकर लोगों को, उस पैसे से ही इन स्कीम्स को फंड किया जाता है। इसमें सारा का सारा पैसा वॉलेंटियरी डोनेशन से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से न तो इन स्कीम्स में न इस फंड में 1 भी रुपया जमा किया जाता है। इन स्कीम्स के अंतर्गत आने वाली जो अप्लीकेशन है वो जो डेट ऑफ अप्लीकेशन है उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से उनके ऊपर एक्शन होता है, उनका पेमेंट होता है। इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो पेनूरी ग्रांट होती है उसको दिया जाता है, क्योंकि वो नॉन पेंशनर को मिलती है और 65 साल से ऊपर वाले लोगों को मिलती है, तो उनकी सहायता के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको दी जाती है। उसके बाद एजुकेशन ग्रांट होती है उसको मिलती है, और उसके बाद जो मैरिज ग्रांट होती है उन केसेज को मिलती है। उन्होंने बताया है कि जो जितने भी ये स्कीम्स हैं इनके जो क्लेम्स हैं उनमें जो देरी हो रही है वो पैसे की कमी के कारण हो रही है। आगे उन्होंने बताया है कि जो एज ऑन डेट की पोजिशन है वो किस किस स्कीम में किस किस डेट तक के केसेज वो क्लियर कर चुके हैं, वो इस तरह से है। जो पेनूरी ग्रांट है जिसका इनिशियल क्लेम गया हुआ है वो 11 मार्च 2021 तक का क्लियर कर चुके हैं। पेनूरी ग्रांट के जो रिन्यूअल केसेज हैं वो 15 दिसंबर 2020 तक के क्लियर कर चुके हैं। जो मैरिज ग्रांट के जो क्लेम गए हुए हैं वो 18 अगस्त 2019 तक क्लियर हो चुके हैं।
एजुकेशन ग्रांट के केसेज हैं वो 18 अगस्त 2017 तक क्लियर हो चुके हैं। फ्यूनरल ग्रांट के केसेज हैं वो 12 फरवरी 2021 तक क्लियर हो चुके हैं। मेडिकल ग्रांट के केसेज हैं वो 31 दिसंबर 2020 तक क्लियर हो चुके हैं। ऑर्फन ग्रांट यानी अनाथ ग्रांट है जो इनिशियल है वो 4 सितंबर 2020 तक हो चुके हैं और जो रिन्यूअल है वो 24 फरवरी 2020 तक के क्लियर हो चुके हैं। 100% डिसेबल्ड बच्चों के जो इनिशियल केस हैं वो 9 फरवरी 2021 तक क्लियर हो चुके हैं और जो रिन्यूअल के केसेज हैं डिसेबल्ड बच्चों के वो 2 जनवरी 2021 तक हो चुके हैं। हाउस रिपेयर का उनके पास कोई केस नहीं गया है। एनडीए कैडेट का जो इनिशियल केस है वो 5 सितंबर 2020 तक क्लियर हो चुके हैं। एनडीए कैडेट का जो रिन्यूअल केस है वो 31 जनवरी 2021 तक हो चुके हैं। इसी तरह जो वोकेशनल ट्रेनिंग के केसेज हैं वो 1 दिसंबर 2020 तक क्लियर हो चुके हैं। जो सीरियस डिजीज के हैं जो नॉन पेंशनर के केसेज हैं वो 1 जनवरी 2021 तक क्लियर हो चुके हैं और जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के मोबिलिटी इक्विपमेंट के केसेज हैं वो 21 सितंबर 2020 तक क्लियर हो चुके हैं। साथियों अगर इन डेट्स में आपका या आपके किसी जानकार का केस है तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से। अगर इन डेट से पुराने आपके केस हैं तो नेचुरली आपके केस हैं वो पास हो चुके हैं या उनमें कोई ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको पता लग सकता है। साथियों ये देखने से लगता है कि ये योजनाओं के नाम पर केवल हवा हवाई है। सरकार तथाकथित सरकारी योजनाओं के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए एक पैसा खर्च नहीं करती है। इन योजनाओं का अस्तित्व पूरी तरह से देश की आम जनता की उदारता पर निर्भर है। वो अगर दान देते हैं तो योजनाएं चलती हैं, अगर वो दान नहीं देते हैं तो योजनाएं नहीं चलती हैं। एक तरह से रिटायर्ड सोल्जर्स की पूरी कल्याण योजनाओं को देश की जनता की उदारता के ऊपर छोड़ दिया है। अगर वो दान देंगे तो योजनाएं चलेंगी, नहीं देंगे तो नहीं चलेंगी। हालांकि ये सिचुएशन सरकार आम जनता को नहीं बताती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन जो फंड लिया जाता है, अगर ये चीज बता के किया जाए कि ये इतनी कल्याण योजनाएं चलती हैं और ये सारा का सारा पैसा इसी फंड से जाता है, पूर्व सैनिकों की इन कल्याण योजनाओं के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है तो दिल खोल करके देश की जनता दान देगी। लेकिन सरकार ये चीज छुपाती है, साफ तौर पे बताती नहीं है कि जो रिटायर्ड सोल्जर हैं वो या तो भगवान भरोसे हैं या देश की जनता के भरोसे हैं। सरकार को चाहिए कि पैसे की कमी पूरा करने के लिए कुछ वैधानिक वित्तीय उपाय करके रखे। डोनेशन आता है ठीक है, उसके बाद जो कम पड़ता है पैसा वो सरकार पूरा करे। यह नहीं कि जितना डोनेशन आया उतना बाकी दे दिया, बाकी आदमी बैठे बैठे इंतजार करो। इस तरह का काम सरकारों को शोभा नहीं देता है। सैनिक देश की अस्मिता का एक बहुत बड़ा अंग है। सैनिकों से जुड़ी कल्याण योजनाओं के मामले में इस तरह की लापरवाही अच्छी नहीं है। इससे किसी का लाभ नहीं है, इससे सेवानिवृत्त सैनिकों की बिरादरी में असंतोष पैदा होता है जो निश्चित रूप से सेवारत सैनिकों के मनोबल पर भी प्रभाव डालता है। क्योंकि आज का सेवारत सैनिक कल का रिटायर्ड सैनिक है। उसको मालूम है कि आज मैं जो सेवा दे रहा हूँ इसके बदले में सरकार मेरे साथ रिटायर होने के बाद क्या करने वाली है। इस तरह की परिस्थिति लंबे समय तक अगर बनी रहती है तो ये देश के हित में नहीं है। हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता, समृद्ध लोकतंत्र बना रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि सैनिकों का मनोबल भी हमेशा ऊंचा रहे। सैनिकों का जो ऊंचा मनोबल है इन सभी चीजों के लिए वो गारंटी बनता है और इस गारंटी को बनाए रखना जितना सैनिकों का काम है उससे कहीं ज्यादा सरकार का काम है कि वो जितनी भी सैनिकों के लिए योजनाएं चलाती है उसमें बीच बीच में कटौती न करे और उनको एकदम से अधर में छोड़ दे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो ही सैनिक इस योजनाओं के लिए अप्लाई करता है उसको हर प्रोसेस का अपडेट उसके मोबाइल पे मिलना चाहिए ताकि वो कहीं दर दर भटकता नहीं फिरे, भागता नहीं फिरे। अगर कोई कमी रहती है मोबाइल पे अपडेट मिलना चाहिए कि आपकी ये कमी रहेगी, आप जाओ वहां उस ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट और दे दो या ऑनलाइन अपलोड कर दो। हमें आशा है कि सरकार इस पे ध्यान देगी और इन मामलों को निपटाएगी। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो की दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें साथियों के साथ ताकि उनको सभी को पता लगे कि उनके भेजे हुए क्लेम की क्या पोजीशन है या इस मामले में फंड की क्या सिचुएशन है। साथियों इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप विस्तृत तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक में दी गई वेबसाइट पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको और भी बहुत सारी वेलफेयर वाली और इस तरह की जॉब वगैरह की जानकारियां मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।